हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन का एक अच्छा क्वेश्चन। अ कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड, इंपॉर्टेंट टर्म है कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अ बॉक्स जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कॉफिशंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन दैम इज 0.5। द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट टेकिंग 0/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो, इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो बेल्ट के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं और एक ग्राउंड ट्रेन के रेस्पेक्ट में कर सकते हैं। तो सोल्यूशन मैं से दो तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। पहला मेथड विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट करते हैं, मेथड वन। ठीक है, तो इसके लिए पहले एक डायग्राम बनाए। एक तो ये कन्वेयर बेल्ट के व्हील्स बना लिए, यहाँ से ये फिक्स है दोनों के दोनों। इसके ऊपर एक बेल्ट जो कि मूव कर रही है कॉन्स्टेंट स्पीड से, ये बेल्ट बना लिया ऐसे। ठीक है, मान लो कि जो बेल्ट है, मान लो कि गिवन है कि ये बेल्ट राइट में मूव कर रही है इधर की तरफ ऐसे 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये भी ऐसे ही यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये बेल्ट की स्पीड हो गई, कॉन्स्टेंट स्पीड है, इंपॉर्टेंट है, ये कैसी है, कॉन्स्टेंट है। अब इस पर एक जेंटली धीरे से एक ब्लॉक रख दिया है, इसका मास है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक और बेल्ट के सरफेस के बीच में कॉफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.5। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि फ्रिक्शन फोर्स की दर्शन की जरूरत होगी। तो जरा समझो, देखो बेल्ट ये जो है ये मूव कर रही है विद रेस्पेक्ट टू या रिलेटिवली ब्लॉक के राइट में। बेल्ट मूव कर रही है राइट में विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक, तो बेल्ट पर फ्रिक्शन फोर्स कैसा लगेगा, बेल्ट पर कैसा लगेगा पीछे, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो बेल्ट में मोशन विद रेस्पेक्ट टू रिलेटिवली ब्लॉक के किधर है, आगे राइट में। तो बेल्ट पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे, और बेल्ट पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे तो सिचुएशन में ब्लॉक पर किधर, ब्लॉक पर आगे, क्योंकि ब्लॉक और बेल्ट दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है तो वो ब्लॉक पे भी लगता है और बेल्ट पे भी लगता है। तो बेल्ट में तो आगे फ्रिक्शन फोर्स पीछे है, क्योंकि बेल्ट में मोशन रिलेटिव मोशन विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक वो आगे है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स बेल्ट पर पीछे लगेगा तो ब्लॉक पर आगे लगेगा और इक्वल लगेगा। तो ये ब्लॉक पर लगाया फ्रिक्शन फोर्स एफ, आगे की तरफ लगेगा। अब इसको मैं यहां पर बैठ के एनालाइज कर रहा हूं इसके मोशन को, यहां पर बैठ के करूंगा तो बेल्ट के ऊपर बैठ गया मैं, तो विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट की बात कर रहे हैं, विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, और विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट की बात कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालें, रिलेटिव क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी ब्लॉक की निकालें, रिलेटिव वेलोसिटी और ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू किसके इनिशियल कह दो इसको, इनिशियल विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। ब्लॉक को मैं कैपिटल बी से लिख ले रहा हूं और बेल्ट को मैं स्मॉल बी से। तो वेलोसिटी ऑफ बॉक्स, बॉक्स के लिए कैपिटल बी और बेल्ट के लिए स्मॉल बी, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बेल्ट। तो उसको तो जेंटली रखा गया है बॉक्स को, तो बॉक्स की वेलोसिटी तो जीरो, और इसकी वेलोसिटी मैं इस दर्शन को पॉजिटिव मान रहा हूँ और इस दर्शन को मैं नेगेटिव, तो प्लस के 2 मीटर पर सेकेंड, तो माइनस एन 2 मीटर पर सेकेंड, इसीलिए कितनी आई माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड। तो जानते हो इस बेल्ट से अगर हम इस ब्लॉक को देखेंगे तो इस पर्सन को ये ब्लॉक पीछे की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड, देखो नेगेटिव आ रही है, तो नेगेटिव मतलब इसकी दर्शन जो वेलोसिटी की दर्शन है वो पीछे की तरफ है, वो पीछे की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर ब्लॉक पीछे की तरफ रिलेटिव मोशन ब्लॉक में बॉक्स में पीछे की तरफ है, और अगर इसमें ब्लॉक में पीछे की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा, क्योंकि जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। ठीक है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, मोशन का नहीं रिलेटिव मोशन का अपोज करता है।
तो माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड आ रही है, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स हमने इंटरसन सही दिखाई है। चलिए अब अगर मैं एसेलरेशन की बात करूं तो देखो बेल्ट में एसेलरेशन है नहीं, बेल्ट में एसेलरेशन नहीं है, लेकिन देखो ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है। तो अगर ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है तो पहले मैं क्या निकालूं, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक, केवल यही एक फोर्स लग रहा है इसमें। अच्छा इसमें सूडो फोर्स नहीं लगेगा, बच्चे सोचते हैं विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट करें तो सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा बेल्ट में कॉन्स्टेंट स्पीड है, एक्सेलरेशन है ही नहीं है, तो वो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, मैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम से देख रहा हूँ, क्योंकि बेल्ट में एक्सेलरेशन नहीं, कॉन्स्टेंट स्पीड चल रहा है, सूडो फोर्स नहीं लगने वाला इस पर ब्लॉक पर, ठीक है। इसलिए केवल एक ही फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक अलोंग दी बेल्ट ऐसे। तो एक एक तो इसका वेट लग रहा है वो नीचे की तरफ एम जी, एक इस पर नॉर्मल एक्शन लग रहा हुआ है एन ऊपर, लेकिन मूव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल तो यही वाला है। इसीलिए अगर मैं कहूँ तो एफ लग रहा है ब्लॉक पर, ब्लॉक पर निकाल लें तो नेट फोर्स आपका ये एफ हो गया, और नेट फोर्स जो होता है वो मास इंटू एक्सेलरेशन की तरह होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन ए, तो ए इक्वल टू आ गया, इसकी वैल्यू लिख सकते हैं हम कितनी, एफ की म्यू एन, और ये एन, तो एम ए म्यू एन की वैल्यू एम जी, एम से एम कैंसिल, देन ए बराबर म्यू जी, तो एक्सेलरेशन इतना। अब इसकी दर्शन की तरह होगी एक्सेलरेशन की, तो देखो इसमें जो एक्सेलरेशन है वो ब्लॉक का है। अब हम क्या निकालें, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालें, जब रिलेटिव निकाल ले तो रिलेटिव ही निकालेंगे सब कुछ, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट। तो अगर हम ये करें तो हम क्या कहें, हम ये कहें रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट इज इक्वल टू ए बॉक्स माइनस ए बेल्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक कितना हो गया म्यू जी, और बेल्ट का कितना जीरो, तो कितना म्यू जी। तो देखो इसमें जो एक्सेलरेशन की दर्शन होगी वो इधर ही होगी ऐसे, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन की दर्शन इधर है और रिलेटिव वेलोसिटी की दर्शन इधर है। अगर रिलेटिव एक्सेलरेशन आगे और रिलेटिव वेलोसिटी पीछे, जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की दर्शन अपोजिट हो तो उस वाली कंडीशन में ब्लॉक रिटार्ड हो रहा होता है। रिटार्डेशन किसे कहेंगे, रिटार्डेशन का मतलब ये नहीं कि ए नेगेटिव तो रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब है कि अगर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन की दर्शन है बेटा आपकी बॉक्स बेल्ट, और ये आपकी वेलोसिटी की दर्शन थी कौन सी वाली, वी बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, दोनों की दर्शन अपोजिट है, और अपोजिट है तो इसका मतलब ये ब्लॉक रिटार्ड हो रहा होगा, और रिटार्ड हो रहा होगा तो ये रिटार्डेशन है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखो उसने क्या कहा, यहां से अब वो थोड़ी देर बाद क्या इसमें आ गया है, रेस्ट में आ गया है, तो अगर आगे लिखें इसमें, इसीलिए रिलेटिव डिस्टेंस क्या लिखें, रिलेटिव डिस्टेंस, रिलेटिव डिस्टेंस ऑफ बॉक्स विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो मैं इक्वेशन लगा रहा हूं वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के टू ए एस ऐसे। तो देखो ये तो कितना है बेटा आपका जीरो, तो स्टॉप हो गया है, इक्वल टू यू कैसा है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी ये है आपकी वी बी बी इसका स्क्वायर प्लस टू ए ए बी बी और डिस्प्लेसमेंट एस, ये एस बी बी ऐसे लिख लो सब कुछ रिलेटिव लिख लिया सारा। तो देखो इसकी वैल्यू तो जीरो हो गई क्योंकि वो स्टॉप हो गया लास्ट में चल के नहीं बॉक्स, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, माइनस के टू का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू दे रखी है टू। अब इसकी वैल्यू नेगेटिव मत रखना क्योंकि मैंने इस दर्शन को पॉजिटिव माना है और इस दर्शन को नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ही रखना है इसको, तो पॉजिटिव रखेंगे तो कितना म्यू जी, और एस इन टू बी बी निकाल लो आप यहां से, इसे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो ये लिख रहे हैं एस
बी भी माइनस में हो जाएगा, या ऐसे लिख लो टू म्यू जी इंटू एस बी भी माइनस में इक्वल टू फोर। तो यहाँ से एस बी भी इजिकल टू फोर अपॉन माइनस में टू म्यू जी, म्यू इंटू जी, तो माइनस के ये से कट गया, तो माइनस के टू, म्यू की वैल्यू 0.5 और जी की वैल्यू 10, तो इसको हटाएंगे तो ये हो गया माइनस के 20/5 इंटू 10। तो देखो ये जीरो से जीरो कट गया, तो एस बी बी जो आया माइनस के 0.4 मीटर। लेकिन ये जो रिलेटिव डिस्टेंस आई है बेटा, ये कि बेल्ट के रेस्पेक्ट में बॉक्स ने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और माइनस साइन बता रहा है कि ये रिलेटिव डिस्टेंस पीछे की तरफ होगी, बॉक्स कम डिस्टेंस कवर कर पाया होगा एज कम्पेयर टू किसके, बेल्ट के, ठीक है ना। इसीलिए देखो देखो एस एस बी का मतलब क्या होता है, एस बी बी का मतलब है एस बी बी माइनस एस बी। तो बेल्ट ने डिस्टेंस ज्यादा कवर करी होगी किसके कंपेयरिंग, बॉक्स के कंपेयरिंग। बॉक्स भी चला होगा लेकिन बेल्ट ने ज्यादा डिस्टेंस कवर करी होगी एज कंपेयर टू बॉक्स। अगर इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर करी होगी तो ये जो रिलेटिव डिस्टेंस आएगी ब्लॉक की या बॉक्स की विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट वो नेगेटिव में आएगी, इसीलिए नेगेटिव में आ रही है, क्योंकि आपने ये किसके रेफरेंस फ्रेम में किया है, बेल्ट के रेफरेंस फ्रेम में किया है भाई, ठीक है। अब ग्राउंड रेफरेंस फ्रेम में करें इस इक्वेशन को, तो मेथड टू विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड, अगर कोई व्यक्ति ग्राउंड पर खड़े होकर इसी चीज को देखे तो वो क्या एक्सप्लेनेशन देगा, वो जरा समझते हैं। ये आपका वही कन्वेयर बेल्ट बना ली और ऐसे, ठीक है अभी बताता हूँ। अब ये तो कॉन्स्टेंट स्पीड से चल ही रहा था ऐसे, ब्लॉक बेल्ट आपके 2 मीटर पर सेकेंड से, ये 2 मीटर पर सेकेंड से है ना। अब इसे कोई व्यक्ति ग्राउंड से खड़े होकर देख रहा है, यहां से अगर वो यहां से देखेगा तो बेल्ट जैसे इस पर ब्लॉक को आप जेंटली पुश करोगे रखोगे तो बेल्ट तो कहानी तो वही है, फ्रिक्शन फोर्स तो ऐसे लगेगा ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगा। जब ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगा तो हम यहां से देखने वाला व्यक्ति कहेगा कि इस पर फोर्स आगे की तरफ लग रहा है, तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा आगे की तरफ, एक्सेलरेशन डेवलप होगा आगे की तरफ ऐसे, ठीक है। और ऐसे आगे की तरफ एक्सेलरेशन डेवलप होगा तो कितना होगा वो देखते बताते हैं, ठीक है। तो आगे की तरफ नेट फोर्स कितना लग रहा है बेटा, नेट फोर्स ऑन ब्लॉक तो वो लग रहा है एफ, मास इनटू एक्सेलरेशन एफ, और एफ की वैल्यू लिखें तो यहाँ से लिख सकते हैं एम ए, अभी डिफरेंस समझ में आएगा, म्यू एन, एन की वैल्यू एम जी, तो ए से कट गया तो ए बराबर म्यू जी। अब जानते हो क्या है इसमें कहानी, इसमें कहानी है कि नाउ ब्लॉक मूव्स टूवर्ड राइट, टूवर्ड्स राइट, ब्लॉक मूव करेगा टूवर्ड दी राइट विद एसलरेशन ए बराबर म्यू जी, एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इनिशियल वेलोसिटी जो ब्लॉक की होगी ग्राउंड से देखेगा तो ऐसे लगेगा इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक वो जीरो होगी, इनिशियल वेलोसिटी ब्लॉक की जीरो होगी, जेंटली रखा था तो वेलोसिटी ब्लॉक की जीरो होगी इनिशियल, एंड द ब्लॉक, ध्यान सुनना इस लाइन को, अब ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है ग्राउंड से देखने वाले व्यक्ति के लिए, विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट टिल इट्स वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ कन्वेयर बेल्ट। तो जानते हो इसीलिए ब्लॉक की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल वेलोसिटी
वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, ऑफ ब्लॉक वो बेल्ट की बराबरी होगी 2 मीटर पर सेकेंड। जब ब्लॉक की भी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी और बेल्ट की भी 2 मीटर पर सेकेंड है, सेम प्रश्न है, तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, तो 0 दिखाई देगी, तब वो स्टॉप दिखाई देगा विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, बेल्ट पे बैठ के दिखाई देगा रेस्ट में। नहीं आया? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, इसको समझिए, थोड़ा सा विचार करना, आराम से देखना, इसको समझना जो मैं कह रहा हूँ वो क्या कह रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, वही मोशन की थर्ड इक्वेशन, वी इज आर यू स्क्वायर प्लस के 2 ए एस, तो वी यहाँ पे एक्सलरेट हो रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे फोर्स भी धरी है और इनिशियल स्टेट 0 मान रहे हैं और वो एक्सलरेट हो रहा है, तब उसकी वेलोसिटी एक्सलरेट, ब्लॉक कितनी वेलोसिटी प्राप्त कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू बेल्ट, 2 मीटर पर सेकेंड, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड के बराबर ना हो जाए, बेल्ट की वेलोसिटी के बराबर ना हो जाए, उसके बाद वो रुकेगा। कहाँ पर देखे, कहाँ से देखने पर रुकता हुआ दिखाई देगा, बेल्ट पर बैठ जाओगे तब रुकता हुआ दिखाई देगा, नहीं चलते ही दिखेगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आप देखिए ना, उसने ये नहीं कहा कि जो है ब्लॉक रेस्ट में है, उसने कहा बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू बेल्ट बिफोर कमिंग टू रेस्ट ऑन इट, रिलेटिव टू बेल्ट, रिलेटिव टू बेल्ट को रेस्ट में दिखाई दे रहा है, नहीं आप कोई ग्राउंड से खड़ा होगा तो वो तो चलते ही दिखाई देगा, गिर जाएगा नीचे, रुकेगा कैसे जाएगा, रुकेगा नहीं बेटा, नहीं आया? हाँ, बेल्ट पे बैठ जाओगे तो रुका हुआ दिखाएगा, नहीं आया? चलिए तो आगे बढ़ते हैं इसको, तो ईस की वैल्यू कितनी हो गई, 4, इनिशियल स्टेट 0 प्लस ए की वैल्यू म्यू जी और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ये ग्राउंड फ्रेम से कर रहे हैं अब सब कुछ, तो एस निकालना है, तो एस इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई म्यू जी, तो 4, म्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 0.5 और जी की वैल्यू कितनी 10, ठीक है, नहीं तो इसको आप कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 रह गया बेटा यहाँ से, 2, तो 2, 2 से 2 काट देंगे, 2 और ये 20 और ये 5 और ये 10, देखो 2 से ये 2 कट गया और ये पॉइंट से 0 बढ़ा ली, 0 से 0 बढ़ा दिया, तो ऐसा आ गया कितना 0.4 मीटर, ये विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम किया है, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।